हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मनी प्लांट के ऊपर। अगर आपके मनी प्लांट में लीव्स येलो हो रही है या ब्राउन हो के प्लांट अच्छी ग्रोथ में नहीं है, तो कैसे इसको अच्छे से रखना चाहिए, कैसे इसकी ग्रोथ को सही रखना चाहिए और कैसे लीव्स ग्रीन रखें, कैसे प्लांट को हेल्दी रखें, आज इसी का टॉपिक है। और सबसे पहले, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कितने ही सुंदर इसकी लीव्स हैं, और ये प्लांट जो है मैंने कटिंग से रेडी किया हुआ है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सिर्फ छोटे से ही पॉट में ये लगा हुआ है। आप भी ऐसे पॉट में से लगा सकते हैं और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें रूट्स आ रही हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है। और लीव्स का साइज़ भी आप देख सकते हैं, ये मैंने कटिंग से ही रेडी किया हुआ प्लांट है मनी प्लांट का। और सारे प्लांट की लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हैं। और सिर्फ आपको क्या करना है इसकी केयर के लिए, आप या तो सीमेंट की पॉट्स में लगा दीजिए। अगर आपका प्लांट बिल्कुल नहीं चलता, प्लास्टिक में भी नहीं चल रहा, प्लास्टिक के पॉट्स में आपका ग्रोथ नहीं अच्छा कर रहा, तो आप ऐसे सीमेंट के पॉट्स में प्लांट को लगा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कटिंग से रेडी करना है तो आपको कैसी कटिंग्स लेनी होगी मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे जो रूट्स आती है ना, आपको ऐसे ही कटिंग्स लेनी है और इसको मिट्टी में लगा देना है डायरेक्ट। और ये बहुत अच्छा टाइम है जुलाई अगस्त का, जिसमें आप ऐसे मनी प्लांट बहुत सारे रेडी कर सकते हैं कटिंग से। और टाइम टू टाइम इसे वाटर कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। और तेज़ धूप में मनी प्लांट को मत रखिए बिल्कुल भी, क्योंकि प्लांट खराबी इसी वजह से होता है, लीव्स येलो इसलिए ही होती है कि अगर आप इसे तेज़ धूप में रख देंगे तब ये प्लांट्स जो होता है इसके लीव्स येलो होने लग जाती है, सूखने लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी हमारी सही नहीं होती तो भी प्लांट्स को दिक्कत आती है। तो मिट्टी हमेशा ऐसी बनाओ, 50% आप गार्डन सोई लीजिए, 30% सैंड और 20% कंपोस्ट। और इसमें कंपोस्ट भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप 2-3 महीने में एक बार भी कंपोस्ट करेंगे तब भी अच्छे से ग्रो करेगा। टाइम से पानी दीजिए इसे और ओवर वॉटिंग ना करिए, जब लगे मिट्टी ड्राई है तभी पानी देना है। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए कितना ही हेल्दी प्लांट है। आपको बस कटिंग्स ऐसी ही लेनी होती हैं, ये देखिए आप ऐसी कटिंग्स ले, ये देखिए इसमें कितनी अच्छी ही रूट्स आ गई हैं। तो आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट वाटर में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं, और कितना ही हेल्दी प्लांट आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, और इसको आपको सपोर्ट देने के लिए ऐसी डंडी भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये स्टिक लगाई हुई है ऐसे भी लगा सकते हैं, और मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं। और इसको अगर आप ऐसे ही मतलब सपोर्ट देंगे तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रोथ करता है। और ये देखिए न्यू ग्रोथ इसकी आपको नज़र आ रही होगी, कितनी ही हेल्दी लीव्स हैं। आपको जैसे बोल रही हो मिट्टी वैसी बनाइए, और पानी हो सके तो जब मिट्टी सूखे तभी दीजिए, और तेज़ धूप में इसे बचा के रखिए। और आपका भी ऐसी हेल्दी प्लांट रहेगा। मैं इसे शेड वाली जगह पे रखती हूँ जहाँ सिर्फ इसे रोशनी मिलती है, मैंने इसे इंडोर नहीं रखा हुआ, आउटडोर रखा हुआ है, और सिर्फ लाइट इसको मिलती है, तेज़ धूप में नहीं है ये बिल्कुल भी। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये देखिए कितना ही सुंदर प्लांट है, और जो कटिंग से ही रेडी हुआ प्लांट है ये देखिए। और भी अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रोथ, ये देखिए इतनी अच्छी इसकी स्टेम है ना, ये देखिए कितनी मोटी इसकी, ये देखो। और ये क्यों, और कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ हो रही है ये। और ये देखिए मैंने कटिंग से ही रेडी किया हुआ प्लांट है, और ये देखिए ग्रोथ। और मिट्टी भी आप देख सकते हैं, मिट्टी कितनी ही अच्छी है इसकी, ये दिखाती हूँ मैं आपको पास से। सॉइल देखिए, आपको सॉइल से पता चल गया होगा कि बिल्कुल भी ये ऐसे वाली नहीं है जो होती है ना चिकनी मिट्टी, तो ये बिल्कुल भी चिकनी मिट्टी नहीं है, ये सैंडी सॉइल है। और ऐसे ही सॉइल में ये अच्छे प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। आप कोई सा भी प्लांट लगाइए,
आप कोई से भी मनी प्लांट ऐसी सोइल में लगा सकते हैं। मनी प्लांट काफ़ी तरह के आते हैं, तो आपको 50% आपको गार्डन सोइल चाहिए होगी, 30% सैंड, 20% कंपोस्ट और थोड़ी सी उसमें नीमखली और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके अच्छी सी सोइल रेडी करिए और अपना प्लांट ऐसे ही हेल्दी हेल्दी बनाए रखने के लिए। और जब मिट्टी ड्राई हो तभी पानी दीजिए और स्प्रे करते रहिए और इसको शेड वाली जगह पे रखिए, बस इसको सनलाइट मिलनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी रोशनी जो होती है वो मिलनी चाहिए। तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं रखना, जैसे तेज़ होती है जैसे 50 डिग्री 45 डिग्री और डायरेक्ट रख देंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं होता, येलो लीव्स होती हैं और ज़्यादा पानी देने से भी येलो लीव्स होती है, तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। बस इतनी सी इसकी जानकारी है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।